हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों के दिन हैं और कोविड की सिचुएशन की वजह से कहीं घूम भी नहीं पा रहे हैं। मेरा तो बहुत मन करता है घूमने का, आपका नहीं करता? करता है ना। तो चलिए पैक कीजिए अपने बैग्स और आज हम चलते हैं वानुआतु। आई एम श्योर आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। फ्रेंड्स, इसी में तो मजा है ना, ऐसी जगह जाना जिसे बहुत ही कम लोग जानते हो। वानुआतु पैसिफिक ओशन में 13 आइलैंड से बना वाई शेप कंट्री है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट लेकर पहुंचा जा सकता है। यहाँ का यूनिक मिक्सचर और स्पॉटलेस ब्यूटी इसे एक परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाती है। यहाँ के मेन आइलैंड्स हैं टोरेस, लावा, सेंटा मारिया, एओबा और मालाकुला, जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स ज्वालामुखी टापू हैं। वानुआतु का सबसे ऊंचा माउंटेन है टव्वे मसाना, 1879 मीटर ऊंचा, और यहाँ से कोरल सी का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। तन्ना आइलैंड पर यासूर माउंटेन बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी इस समय यहाँ ठंड का मौसम है, जो हमारे यहाँ की गर्मी को भगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। वानुआतु का मतलब है हमेशा के लिए हमारी जमीन, इसीलिए यहाँ के लोगों से उनकी जमीन कोई नहीं छीन सकता और ये उनका संविधानिक हक भी है। 1980 में स्वतंत्रता के बाद से ही यहाँ टूरिज्म काफी बढ़ा है और हर साल करीब 3 लाख लोग यहाँ घूमने आते हैं। मजे की बात तो ये है, यहाँ की कुल आबादी भी 3 लाख ही है। जैसे हरियाणा के लोगों को हरियाणवी कहते हैं, गुजरात के लोगों को गुजराती, यहाँ के लोगों को नी वानुआतु कहते हैं, जिनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ क्रिश्चियन है और लिटरेसी रेट की बात करें तो 87% नी वानुआतु लोग पढ़ लिख सकते हैं। आपसी भाईचारे के साथ यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं। युमी 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 यहाँ का नेशनल एंथम है, जो पिसलामा बोली में गाया जाता है, और हिंदी में युमी का मतलब हम होता है। बिस्लामा बोली काफी सारी भाषाएं जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, मेलानेशियन का मिला जुला रूप है। खाने की बात करें तो वानुआतु में कोकोनट मिल्क और कोकोनट को ज्यादातर डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। तला हुआ खाना यहाँ के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए आमतौर पर आग से या स्टीम से खाना बनाया जाता है। यहाँ की नेशनल और ट्रेडिशनल डिश है लैप लैप, जो एक केले से बनी बेक्ड पुडिंग है। लैप लैप बनाने का पूरा तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इसे अपने घर पर जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कर बताइएगा आपको कैसी लगी। त्योहार पर यहाँ के लोग खाने की चीजों का लेना देना करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी मौकों पर यहाँ शुक्र का लेन देन किया जाता है और इन सभी मौकों पर यहाँ का लोकल पेय कावा भी पिया जाता है। वानुआतु के लोग अपने पूर्वजों की शक्ति में बहुत विश्वास करते हैं। यहाँ पर काफी जगहों पर आज भी लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर इकट्ठा होते हैं और कावा पीते हैं, इनसे बातें करते हैं। ये लोग अपने पूर्वजों और उनकी शक्ति को रिवाजों की तरह सजोए हुए हैं। यहाँ फैमिली डे भी मनाया जाता है। वानुआतु अपने घने जंगलों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर फ्लाइंग बैट्स, फ्लाइंग फॉक्स, 180 के करीब की प्रजाति, जिसमें फेमस है ग्रीन रेनबो लोरिकिट पैरट। एंड फ्रेंड्स, वानुआतु फिल्मिंग के लिए भी परफेक्ट स्पॉट है। 1980 की फेमस फिल्म द ब्लू लगून, जो एक रोमांटिक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है, वानुआतु में ही शूट हुई थी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सफर बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपके लिए एक सवाल, तो बताइए वर्ल्ड में कितने ओशन हैं? हो सके तो उनके नाम भी बताइए। और पिछली वीडियो का सही जवाब है वानर राज सुग्रीव, और सही जवाब दिया है इन सभी ने। अपनी स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाइए और हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।